आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्लियर किट को लेने के कौन कौन से साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो गाइस देखिए, इस किट में 5 गोलियां होती हैं, ठीक है। जो पहली गोली है, जब कोई महिला या लड़की पहली गोली को लेते हैं तो इस गोली को यूज करने के बाद उनको कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, और इन साइड इफेक्ट्स में यूजली क्या होता है, महिला को चक्कर आ सकते हैं, घबराहट हो सकती है, पल्स रेट बढ़ सकती है, और बेचैनी महसूस होती है, सिर में दर्द होता है, उल्टी, जी कच्चा होता है, पेट में दर्द होता है, कभी कभी आपको स्पॉटिंग हो सकती है, मतलब खून के धब्बे महिला को देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपकी प्रेगनेंसी कम दिनों की है या आपने पहले प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे, गर्म चीज़ें खाई थी, काढ़ा पिया था, कोई आयुर्वेदिक दवाई ली थी, तो हो सकता है कि आपको पहली गोली को उपयोग करने के बाद ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाए। तो इन साइड इफ़ेक्ट्स से घबराना नहीं है, ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये थोड़े टाइम के लिए होती हैं। जैसे ही आप लोग बची हुई 4 गोलियां उपयोग करते हैं तो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं बची हुई 4 गोलियों के बारे में। तो देखिए, जो ये बची हुई 4 गोलियां हैं, जब कोई महिला या लड़की इन 4 गोलियों का उपयोग करते हैं, और अगर आप लोग इन 4 गोलियों को मेरे बताए गए मेथड से लेते हैं, टाइमिंग से लेते हैं, सभी बातों को फॉलो करते हैं, तो मोस्टली ज़्यादातर जो ब्लीडिंग है वो 30 मिनट से लेके 4 घंटे के बीच में स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए, जो ये ब्लीडिंग है ये भी एक टाइप का साइड इफ़ेक्ट ही है, क्योंकि नेचर ने जो आपको प्रेगनेंसी दी है उसको ग्रो करने के लिए दी है। आप लोग ये जो गोलियाँ खा रहे हैं ये नेचर के विरुद्ध हो रहा है, मतलब इन गोलियों के कारण हो रहा है। तो इन गोलियों को खाने के बाद ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। ब्लीडिंग स्टार्ट होने से पहले महिला को तेज दर्द महसूस होता है, पेट में हैवी क्रैम्पिंग, ऐंठन महसूस होती है, ठीक है। ये जो ऐंठन है बहुत तेज़ होती है। अगर आपने पहली बार इन किट का उपयोग किया है, इन गोलियों का उपयोग किया है, तो हो सकता है कि आपको जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा हो, लेबर पेन जितना दर्द भी आपको हो सकता है। अगर आपको प्रीवियसली ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है या आपकी उम्र बहुत कम है और आपके डॉक्टर ने अगर आपको इन गोलियों को लेने की एडवाइस दी है तो आपको तेज़ दर्द हो सकता है, इसलिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना ज़रूरी है। तो इन गोलियों को उपयोग करने के बाद आपको पेट में बहुत तेज़ ऐंठन महसूस होती है, क्रैम्पिंग महसूस होती है, मतलब बहुत तेज़ दर्द महसूस होता है आपको आपके लोअर एब्डोमेन एरिया में। उसके बाद आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। कुछ महिलाओं को ठंड लगती है, सर्दी लगकर बुखार आ जाता है, कुछ महिलाओं को लूज मोशन भी हो जाते हैं इन गोलियों के साइड इफ़ेक्ट्स के कारण। इन साइड इफ़ेक्ट्स से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये 72 घंटे में अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। बट आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस समय पर आपकी जो डाइट है और आपका जो रेस्ट है वो प्रॉपर होना चाहिए। आपको एक न्यूट्रिशनल डाइट लेनी है। डाइट क्या होनी चाहिए वो मैंने आपको अच्छे से गाइड किया था, वो वीडियो के लास्ट में भी आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। और रेस्ट तो आप लोगों को करना ही है, ऐसे समय पर आपको ज़्यादा हैवी फिजिकल वर्क नहीं करना है, ज़्यादा टाइम तक खड़े नहीं रहना है, जिम एक्सरसाइज आप लोगों को अवॉइड होती है। इसके अलावा कुछ महिलाओं को नोज़िया वोमिटिंग हो सकता है, जो कि प्रेगनेंसी के कारण होता है, ये साइड इफ़ेक्ट्स के कारण नहीं होता है। तो जैसे जैसे आप लोगों की प्रेगनेंसी ख़त्म होती हैं तो नोज़िया वोमिटिंग, जो मितली आना, उल्टी आना, जो आपको परेशानियाँ हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। इसके अलावा घबराहट, बेचैनी, चक्कर, टांगों में दर्द, सिर में दर्द, कमर में दर्द आना, ये ब्लीडिंग के कारण होता है, जो कि इस गोली के साइड इफ़ेक्ट्स में इंक्लूडिंग नहीं है। ये आपको ब्लीडिंग के कारण है, कमजोरी के कारण है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपको एक प्रॉपर डाइट लेनी है और प्रॉपर रेस्ट करना है, ताकि आपको ये परेशानियां ना हो। डाइट वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें सब कुछ एक्सप्लेन आउट मैंने किया है, ठीक है। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये आपको 72 घंटे तक हो सकते हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा टाइम तक ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी क्लियर नहीं हुई है। अब जो महिला बारी बारी इन किट का उपयोग करती हैं,
तो बारी बारी इस किट का उपयोग करने से आपकी जो फर्टिलिटी है, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव करने की जो क्षमता है, प्रेग्नेंट होने की जो क्षमता है, वो खराब हो जाती है। बारी बारी इस किट को उपयोग करने से जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो खराब हो जाती है, जिससे आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। मतलब आपको अगर प्रेगनेंसी कंसीव होगी भी तो आपका मिसकैरेज हो जाएगा या बेबी की अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। और बारी बारी इस किट को उपयोग करने से आपको एप्टोपिक प्रेगनेंसी होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो आपको ये जो किट है ये 2 साल में सिर्फ एक बार ही यूज़ करनी होती है। यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी डाउट रहता है कि मान लीजिए कि आपने एक बार किट को उपयोग किया और किसी गलत तरीके से किया, या फिर आपकी अगर प्रेगनेंसी क्लियर नहीं हुई है, तो कुछ डॉक्टर क्या करते हैं, आपको दोबारा से इस किट को लेने की एडवाइस देते हैं, या फिर इस किट की जो लास्ट वाली 4 गोलियां हैं दोबारा से लेने की एडवाइस देते हैं। तो ऐसे में अगर आपकी प्रेगनेंसी क्लियर नहीं हुई है तो आप दोबारा से इस किट को उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपकी एक बार प्रेगनेंसी खत्म हुई, क्लियर हो गई, आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट या अल्ट्रासाउंड नेगेटिव आया और आप लोग दोबारा से इस किट को उपयोग कर रहे हैं, तब ये किट आपको साइड इफ़ेक्ट दे सकती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि 2 साल में एक बार ही इस किट का आप लोग उपयोग कर सकते हैं। अगर 2 साल में आपको दोबारा से कंसीव होता है तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आपको DNC मतलब सफाई करवाना बेटर रहता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि इस किट को उपयोग करने के कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।